जो 7 और 8 मतलब शिकायत है कि फाइल के बिल्कुल बैक साइड पे हो कि कंपनी जब चाहे जिसे चाहे एलिगेशन चार्जेस या डेवलपिंग चार्जेस लगा सकते हैं। करीबन 2400 से 2500 करार हमने पहले ले लिए हैं जो ट्रांसफर पे रेडी है। ये तो प्रोपेगेंडा होता है ना हर फील्ड का, जिनके पास लैंड काम है सिमली के पास हमारे खरीदार ही नहीं है। जो बंदे एलोकेशन चार्जेस देंगे उनको प्लाट अलाट हो जाएंगे। खानिया मेट्रो सिटी इंतजामिया ने किसी डीलर, जमींदार या सार्फ के साथ कोई गलत बयानी नहीं की। फाइलें देते वक्त मुआहिदा किया गया था जिसमें शिक नंबर 7 और शिक नंबर 8 का मुतालिया नहीं किया गया और झूठ पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज किया गया। हम इस बात की पुरजोर तर्दीद करते हैं। इन हालात का इजहार मेट्रो सिटी के राजा मोहम्मदी, शाहिद हुसैन जंजुआ और अली इमरान मिर्जा ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। अब प्लॉट्स बनाए जाने के एलोकेशन चार्जेस लिए जा रहे हैं। उन सार्फीन के प्लॉट्स बनाए जाएंगे जो एलोकेशन चार्जेस देंगे। उन्होंने मजीद कहा, 7 से 8 फाइल है, वो इतनी ज्यादा फाइल भी नहीं। मालियत तो देखे वो चीजें हैं, वो तो सारी हैं डॉक्यूमेंटेशन। ये आपने भी देखे हैं, वो कितने से सहलवान है जनाब, थोड़े से सहलवान होती है जी, बिल्कुल मेंशन होती है ये सारी चीजें, ये पढ़ के ही सारा कुछ किया जाता है। फरुखी साहब ये जो 7 और 8 मतलब शिकायत है कि फाइल के बिल्कुल बैक साइड पे, उसकी मैं ना आपको नकल भी दे देता हूँ तो वो आप वाजे तौर पर पढ़ सकते हैं सब भाई। इसमें मेंशन हुआ है कि कंपनी जब चाहे जिसे चाहे एलिगेशन चार्जेस या डेवलपिंग चार्जेस लगा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जो भाई हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन भाइयों ने की है, 7 से 8 फाइलें हैं उनके पास। हम लैंड कोटा के लैंड ओनर हैं, अब साहब थे, पहले राजा नेनोआ साहब थे, हमारे साथ ये बातें क्लियर की गई थी कि एलिगेशन या डेवलपिंग चार्जेस लगेंगे क्योंकि इन्होंने जो पैराडाइज ब्लॉक बना रहे हैं वो बहुत ही इन सब ब्लॉकों से डिफरेंट बना रहे हैं। और उस पर जो एलोकेशन चार्जेस है, देखें अभी ये फाइल है, ठीक है, फाइल और प्लाट में बड़ा फर्क होता है। फाइल अभी 8 लाख 9 लाख 10 लाख में सेल हो रही है, प्लाट ने 15+ में जाना है, ठीक है। तो प्लाट बन जाए तो हर बंदे को फायदे ही है। यहाँ पे अभी तकरीबन 300 फाइल है हमारे पास, जिनके हमने तकरीबन 120-125 फाइलों के एलोकेशन चार्जेस पे किए, खुद पे किए, ठीक है। और माइनर से एलोकेशन चार्जेस, इतने एलोकेशन चार्जेस भी नहीं है जिसपे ये सारे मामला बन रहे हैं जी। पहली बात मैं ये बताऊं कि तकरीबन 3700-3800 कनाल ट्रांसफर हो चुकी है महकमा हमारे यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड में। और तकरीबन 2400 से 2500 कनाल हमने पहले ले लिए हैं जो ट्रांसफर पे रेडी है। 308 कनाल के फर्द हमने परसों दिए, ठीक है। उसके अलावा गद्दीगुड़ा गाँव के साथ 165 कनाल के फर्द दिए हैं, ठीक है। नहर तक हमने खरीदारी कर ली है, ये पता गलत है, ये तो प्रोपेगेंडा होता है ना हर फील्ड का, जिनके पास लैंड काम है, अगर लैंड काम है तो फाइलें तो ज्यादा देर बेच नहीं सकते। सारे साफी भाई भी यहीं पे बैठे हैं, यहाँ पे कितनी खाना काश की जमीन थी, 62 कनाल समथिंग ये फ्रंट का है था, वो कमर्शियल हमने पे की है, ठीक है, ड्यूज कमर्शियल पे किए, बाकी सारी तो मंजर कदीम थी ना, पहाड़ियाँ थी, टिब्बे थे, पीछे वो कसकर अखबार है, ये तो आपको क्लियर सब भाइयों को पता है, आप मौके का विजिट कर सकते हैं, पुरानी में वीडियो दे सकता हूँ सब भाइयों को, ठीक है। तो हमने तो तकरीबन ये सब ये झूठी है जी के यहाँ पे खाना काश रकबा जो है काश कर रहे थे, रकबा ज्यादा काश कर रहे हो, 100-150-200 कनाल होता है। जब ये मैं बताऊँ कि ये बातें ना वो मेरे भाई, मेरा ख्याल है डीलर हजरात ही ऐसी बातें करते हैं जो ये कह रहे हैं, किसी को लोकेशन बताई नहीं गई, ठीक है। अगर वो किसी डीलर से जाके फाइल लेते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन तो सोसाइटी के अलावा किसी को पता नहीं होता, या लैंड प्रोवाइडर होता है उसको पता होता है, ठीक है, या टीम को पता होता है कहाँ पे। सिमली के पास हमारी खरीदारी ही नहीं है, हम 3 मौसम में खरीदारी कर रहे हैं, गद्दीगुड़ा, चोया और करेला, इसके अलावा हमने रकबा ही नहीं लिया। और ये जो है फेज 1 की है, और ये बस बंदों को ये फेज 2 में जा रही है, ये जिम्मेदार पैराडाइज नहीं है, खत्म बात नहीं है, फेज 1 में ही जिम्मेदार रजिस्टर हो रही है, ठीक है। और ये साथ है बिल्कुल, मैं आपको मौका विजिट करवा सकता हूँ, किसी बंदे को ये अंदाजा नहीं है कि पैराडाइज ब्लॉक है कहाँ पे, ये सब हमारी बातें हैं भाई। मलिक बिलाल साहब है जो देखिए मलिक रियाज साहब के नाते हैं, ठीक है, उनका ये पहला प्रोजेक्ट है पंजाब के अंदर, इंशाल्लाह हम करीब ये 2 और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कोई भी बंदा देखें स्टार्ट में ऐसा काम करता नहीं, और खासतौर पर मलिक फैमिली नथिंग, ये आपको ही पता है कि वो कितना की कितना इस मामला में करते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब गलत नहीं, बल्कि मैं अगले दिन एक इशू बना, 2 फाइलें डिंगे के बंदे हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारी फाइलें ये कंपनी की नहीं है, मेरे कहा अगर कंपनी की नहीं है तो डबल मैं पे कर पाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है कंपनी करते हुए। मैंने आपसे छोटी सी बात बताई कि कंपनी की फाइल 18 लाख में सेल हो रही है, जिम्मेदारा फाइल 10-11, 8-9, 10-11 लाख में सेल हो रही है, अगर उसके मिनिमम बहुत कम है ना एलोकेशन चार्जेस अगर लग जाते हैं, वो प्लाट बन जाते हैं तो वो 15 लाख से बब है, सबको फायदा, हमें भी फायदा। मैं कह रहा हूँ कि हमारी ओपन फाइलें पड़ी हुई हैं, हम एलोकेशन चार्जेस दे रहे हैं, आप तो सब दे रहे हैं, ठीक है, हर साहब दे रहे हैं, इसमें सारे एलोकेशन चार्जेस पे कर रहे हैं, कि शायद साहब है इन्होंने फाइलें सेल की हमारे साथ, इनसे पूछ लें इनकी क्या सोच रहे हैं, इमरान साहब की इन्वेस्टमेंट है ये सेल कर रहे हैं, इनसे पता कर। तो ये तन्वीर नकवी, स्काई न्यूज़, खारिया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए skynews.com.pk।